सब्जी थी बहुत। और पत्थर से कहाँ लिया? वो पत्थर भी यहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुनव्वर मलिक। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आए हैं ताजेवाला मछली का शिकार करने, और जगह पे हम पहुंच चुके हैं। अब आगे नीचे उतर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये एक पुराना डैम था यहाँ पर, ताजेवाला डैम। तो अब ये पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन इसके अवशेष अभी भी काफ़ी सुरक्षित हैं। एक टाइम था यहाँ इस जगह से पानी बहा करता था। और ये जो ऊपर छोटा सा ब्रिज है, इस ब्रिज पे सिर्फ साइकिल्स और पैदल सवारी अलाउड थी, लेकिन अब तो ये टूट ही चुका है। और ये ब्रिज पहले यूपी को हरियाणा से कनेक्ट करता था। ये बैराज यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे है। बहुत ही पथरीला सा रास्ता है यहाँ, संभल के। बड़ी शांत और सुकून भरी जगह है ये। और ये देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े पिलर हैं, ये इस साइज़ के पिलर थे जैसे ये पिलर खड़े हैं अभी, और ये पिलर किस तरीके से ज़मीन में धस चुका है पूरा। ये देखिए किस तरीके से ज़मीन में पूरा धस चुका है। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं यहाँ से भी जा सके बड़े आराम से। और ये है आज का हमारा फिशिंग स्पॉट, अभी हम लोग नीचे जाएंगे वहाँ। अब बताओ भाई फिरोज, कैसा है ये जगह? बढ़िया बढ़िया, सुपर। बहुत गहरा पानी है, फाइनली हम अपनी फिशिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे पानी, यहाँ से हम लोग मछलियाँ पकड़ेंगे। बहुत ही गहरा पानी है एक्चुअली, ये बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। हाय हाय क्या बात है, पानी कितना मतलब मजेदार पानी है। फिर हाथ लगा के जी लग रहा, नहीं लग रहा पानी? पता कितना गहरा होगा यहाँ से? कम 20 फुट होगा। हाँ 20 तो होगा, 20 नहीं तो 10 तो कहीं गया ही नहीं। कहने की बात हमारा फिल्म पता चल गया। हाँ बिल्कुल नहीं पता चलने का, कोई निकालने वाला नहीं है, सारा फ्री हो गए। रस्सी भी नहीं किसी पे, रस्सी तो है मेरे पे। और ये हमारे गुलजार भाई, गुलजार भाई को मछली पकड़ने की बहुत बहुत तलब लगी पड़ी है। और ये मतलब हम अभी तक मौका मुआयना नहीं कर रहे हैं, गुलजार भाई कांटे निकालने में व्यस्त हो चुके हैं। अरे वाह, धूप वाली टोपी, ये होती है असली शिकारी की पहचान। ये देख भाई, वे अतड़िया सी कहाँ रखी भाई जी? इसमें है क्या, इसी पन्नी में या अलग में? इधर तो चिकन है यार, से चिकन को भी धो लो। हाँ इसे ये एक बारी एक अतड़ियों वाला कांटा फेंक दूं मैं, उसके बाद जो है ना सबसे पहले चिकन ही बनाएंगे।
और ये है चिकन इंटेस्टाइन, मुर्गे की तड़ियाँ। देख भाई फिरोज, और इस तरीके से हम लगाते हैं मुर्गी की हथड़ियाँ कांटे पे। चल रहा कैमरा है, कैमरा तो चालू रहे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी मुर्गे की हथड़ियों कुछ तो लेकर आइयो आइए इंशाल्लाह। एक घंटा मुश्किल आएगा यहाँ से हैं यार, कांटे का दुख नहीं होता कभी भी अगर मच्छी लग जा। तो क्या मतलब लाइव जाना सोच रहा क्या? मतलब क्या कर रहा था मैं? ये जो है ना, जो पानी में कुछ चलता हुआ है ना, ऐसा है जैसे मच्छी आ रही हो, तो जो बड़ी मच्छी हो ना शिकारी मच्छी, वो उस पर अटैक कर दे। ठीक है देख प्रधान, हेलो ये देख अभी नया यूं पकड़ा, ये इसे यूं घुमा के इनके ए यो तार पकड़ लिया हाथ में, एक बार दे दो मैं कुछ मच्छी पकड़ रही हूं, 2 मिनट फिर करा खोले तो 2 मिनट रुक जा। ठीक है, अभी फिरोज भाई पूछ रहे हैं कि ये कैसे करना है, कास्टिंग कैसे करनी है। तो भाई इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के इसे यूं पकड़ लिया तार को, फिर से यूं खोल दिया। ठीक है, अभी फ्री हो गया, ये तेरे हाथ पे टिक रही बस, या रुक जा 1 मिनट पहले देख ले, परली साइड आ जा थोड़ा सा, ये विषय जो है ना पीछे लेता गया। ठीक है, नहीं तेरी उंगली पे ए जी बिनू फेंकेगा ना, उंगली हट जाएगी अपने आप। ठीक है, नहीं ठीक है, ये बस ले पकड़, रुक जा ला मैं तेरी वीडियो बना। हाँ ये पकड़ लिया, उंगली तो छोड़ दी बस, हल्का सा बस हाथ हाथ भी लगा के रखा ना तो भी रुकी रहेगी वह। ले बेरे शिकार पे वे, शिकार पे बस देखो कैसी बनी, नहीं देख कोलेज ना ठीक है इंशाल्लाह जरूर। और लाला मियां कहां है? लाला मियां काम से की वो ये सब खोल के, नहीं ऐसे नहीं खोलना बड़े भाई, 1 मिनट यहाँ से पकड़ देंगे। पहले टाइट कर लिया, उंगली पे कर लिया ना, अब वो निकलने का नहीं, खुलने का नहीं अपने आप। क्योंकि अगर इसे खुला छोड़ देना तो ये निकलना शुरू हो जाएगा और फिर ये उलझ जाएगा। अरे भाई शिकार कहीं नहीं हो रहा फिलहाल, 6 महीने हो गए अब तक तो हो गया नहीं। चलो तीनों चले जाओ, क्या क्या आज के अंदर
है? डब्बे है, खाने खुने के सामान है। वीडियो बना रहा क्या तू? अच्छा अबे है भाई मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया आजकल के वो जब तक वो बरसात वाला टाइम आता नहीं ना जब तक हम यहीं बिना नहीं रहेंगे मुझे ऐसा लगने लग गया आजकल बिल्ली जहाँ अच्छी हो मतलब हो सकता है लग जाए अभी कुछ नहीं पता टाइम का अच्छा जोड़ो जाड़ो में तो लगती रहा छोटी मोटी मजा नहीं आता थोड़ा जाके बताओ जी कहाँ को फेंकू से ग्यारह में कोई डाल दो यही को डाल दो माना फेंको इधर पाँच रुको ग्यारह में कोई इनका आगे नहीं इनका गिरेंगे अरे नहीं जहाँ तुम अपना आगे ही यहाँ हाँ यही पास में जा ग्यारह में वहाँ तो पानी पतला है बहुत बस ये है जी हमारा चिकन अब इसको हम धोएंगे यार मुर्गा धोते धोते मगरमच्छ ना जाए मगरमच्छ खाया करे मुर्गा कौन सी है ये ना शिकार कर लिया आज मजा आधी तो बेचनी पड़ेगी खाई भी जाने की अब तो चाल चाल ही चाल के लिए पहले हवन करना पड़ेगा जयपुर में जोरदार शिकार करने के बाद अब हम जा रहे हैं दादूपुर।